हेलो एवरीवन। देखिए, हम लोग आज वेक्टर स्पेस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बेसिस और डायमेंशन देखेंगे। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत यूज़फुल भी है। बहुत मज़ा आएगा आपको, इन्जॉय करेंगे। ठीक है, चलिए वन बाई वन इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बेसिस क्या होता है। ठीक है, बेसिस होता क्या है। ठीक है, इसका डेफिनेशन इस तरीके से लिखेंगे, लेट बी बी ए सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस भी ओवर एफ। ठीक है, मान लेते हैं बी कोई सबसेट है, देन बी इज सेट टू बी बेसिस फॉर दिस वेक्टर स्पेस भी एफ इफ। ठीक है, तो देखिए बी को आप बेसिस कहेंगे कब, जब इसमें दो बातें होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या, देखिए नंबर वन ये कि बी मेरा क्या हो, बी इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, बी इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा ये होना चाहिए कि जो स्पैन बी है, ठीक है, वो क्या हो, वो इक्वल टू भी हो। ठीक है, अगर ये दोनों बातें होंगी तो आपका ये बेसिस कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको तो आप पहले पढ़ चुके हैं, मैंने आपको समझाया हुआ है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट किसको कहते हैं। ठीक है, और स्पैन बी का मतलब भी आप जानते हैं। इसका मतलब ये है कि भी के सारे एलिमेंट्स को क्या कर सकता हो, बी जनरेट कर सकता हो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, दैट इज़ क्या, दैट इज़ एवरी एलिमेंट एलिमेंट ऑफ भी कैन बी रिटेन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्पैन बोलते हैं या जेनरेटिंग बोलते हैं, यानी बी के एलिमेंट को यूज़ करके उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में। ठीक है, आप सारे एलिमेंट को लिख सकते हो अगर बी का, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि स्पैन बी इक्वल टू बी। ठीक है, तो देखिए अगर ये दोनों क्राइटेरिया पाया जाएगा तो बी को क्या बोलेंगे हम लोग, बेसिस बोलेंगे। ठीक है, पहले तो डेफिनेशन अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझाता हूँ, बहुत मज़ा आएगा। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे पास में, ठीक है, बी कोई सेट है। कैसा है सेट, मान लेते हैं ये है मेरा V1 V3 और V8। ठीक है, और V जो है मेरे पास में, जो वेक्टर स्पेस का V है, उसमें एलिमेंट है V1 V2 V3 से लेकर के, ठीक है, VN एलिमेंट है। तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि क्या है कि यहाँ पर जो बी है आपका वो सबसेट है बी का। ठीक है, अब देखिए अगर ये हो जाए कि बी मेरा क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, और क्या हो, और ये हो जाए कि स्पैन ऑफ बी इक्वल टू बी हो जाए, तो ये मेरा बी क्या कहलाएगा, ये मेरा बी कहलाएगा बेसिस फॉर भी। इस भी का क्या कहलाएगा, बेसिस कहलाएगा। अब देखिए बेसिस का क्या ही मज़ा है। देखिए होता क्या है कि इसमें आपके पास में कितना एलिमेंट था, n एलिमेंट्स थे। ठीक है, और इसमें आपके पास में कितने एलिमेंट हैं, सिर्फ 3 एलिमेंट हैं। तो देखिए मैथमेटिक्स में हर कोई चाहता है कि जब हम मैथ को डील कर रहे हों तो मेरे पास में वेरिएबल कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए n एलिमेंट को डील करना है जबकि यहाँ पे सिर्फ 3 एलिमेंट को डील करना है। तो बेसिस क्या कह रहा है, कह रहा है कि भी के एन एलिमेंट्स को आप छोड़ दीजिए और सिर्फ इन 3 एलिमेंट को आप याद रखिए, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट मिल करके सारे एन एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो यानी ये तो जस्ट वाव वाली बात हो गई। क्या हो गई, जस्ट वाव, कि आपको एन वेरिएबल पे या एन एलिमेंट पे काम नहीं करना है, सिर्फ 3 एलिमेंट पे काम करना है। ठीक है, अगर बेसिस हो जाता है तो तब आप समझे, अगर ये बेसिस होगा तो कब होगा, जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे ये तीनों एलिमेंट। ठीक है, और दूसरा ये कि ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन में आप सबको लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप समझिए, इसे देखिए ये हो गया मेरा बी, ये मेरा बी हो गया। ठीक है, ये मेरा हो गया एस्पैन बी। ठीक है, एस्पैन बी मैंने आपको पहले भी समझाया था। तो बी में देखिए, बी में कौन सा एलिमेंट है, V1 है, V3 है, V8 है। ठीक है, ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ओके, अब स्पैन बी में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, देखिए स्पैन बी में
पहले तो भी वन भी थ्री और भी एट तो होगा ही होगा डेफिनेटली, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए भी वन प्लस भी थ्री होगा, ठीक है, या हो सकता है भी थ्री माइनस भी एट हो, या हो सकता है भी वन प्लस थ्री भी थ्री माइनस सिक्स भी एट हो, ठीक है, या हो सकता है और कोई एलिमेंट हो क्या, फाइव भी वन प्लस थ्री भी टू माइनस भी एट, कोई भी एलिमेंट हो सकता है ना, भी थ्री माइनस सेवन भी एट, ठीक है, इस तरह के इसमें एलिमेंट है। तो अब डेफिनेटली आप ये देखिएगा कि ये जितना भी लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है भी वन भी थ्री भी एट का, तो वो सारा स्पैन बी के अंदर आता है। और यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए मेरा भी वन भी थ्री है, तो ये समथिंग आपका भी टू होगा, ठीक है, ये आपका समथिंग भी फाइव होगा, ठीक है, ये आपका कोई एलिमेंट भी नाइन होगा, ये आपका कोई एलिमेंट भी एन होगा, ठीक है, ये आपका कोई एलिमेंट भी टू होगा। तो इस तरीके से देखिए, ठीक है, भी टू तो ले चुके हैं, तो भी वन भी टू भी थ्री, ये आपका कोई एलिमेंट भी फोर होगा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ना तो सारे ही एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे, भी वन भी टू भी थ्री भी फोर भी फाइव, ठीक है, इसी तरीके से भी एट भी नाइन भी एन। तो मतलब ये पूरा स्पैन भी जो है ये आपका भी के बराबर हो जाएगा, मतलब सारे इसमें जो कलेक्शन होंगे तो आपको भी के सारे एलिमेंट्स जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है, इन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी। तो अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और स्पैन करता है, यानी इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में आप भी को लिख सकते हो, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा आपका, ये बेसिस हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या है, जैसे पहले तो मैं बता दूं कि बेसिस का पहले आपने इंपॉर्टेंस समझ लिया कि बेसिस क्या है आपका, तो कुछ रिमार्क हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, रिमार्क्स, ठीक है, क्या, नंबर वन ये कि जो बेसिस होता है हमारा, ठीक है, बेसिस वो क्या होता है, वो आपका स्मॉलर सेट होता है, ठीक है, स्मॉलर सेट, ठीक है, ऑफ भी ओवर एफ, ठीक है ना, वेक्टर का स्मॉलर सेट होता है, जो क्या होता है, विच इज़ जो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, और क्या होता है, और स्पैन करता है, स्पैनिंग भी को स्पैन करता है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि चूँकि आपको एक छोटा सा सेट मिल रहा है जो पूरे वेक्टर स्पेस को स्पैन कर रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छी बात हो गई, ठीक है। और आप यहाँ से ये बोल सकते हैं कि एक्चुअली ये क्या होता है, स्मॉलर तो होता है, स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि बेसिस जो होता है वो क्या होता है, वो आपका स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट मतलब इससे छोटा आपको ऐसा सेट नहीं मिलेगा जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और भी को स्पैन भी करता होगा, तो बेसिस में ये खूबी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है, याद रखिएगा कि बेसिस जो होता है आपका, बेसिस इज नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं होता है, ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा बेसिस भी एक वेक्टर स्पेस के लिए हो सकता है, ठीक है, बट लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस वो क्या होगा, वो आपका ऑलवेज सेम रहेगा, ठीक है, इज ऑलवेज सेम, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक है। बेसिस आपका यूनिक नहीं होता, एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, कोई भी बेसिस ले लीजिए, उसमें क्या होगा, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं कुछ आपको यहाँ पे और भी बात दिखाता हूँ, जैसे देखिए अगर हम लोग बात करें, जैसे मैं ले लेता हूँ वेक्टर स्पेस ओवर एफ, ठीक है, ले लेता हूँ मैं टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल रियल स्पेस ले लेता हूँ ओवर रियल आर, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थ्री डायमेंशनल रियल स्पेस, थ्री डायमेंशनल रियल स्पेस, ठीक है। और जिसके पॉइंट्स कहाँ से लेने हैं हमको, जो फील्ड लिया गया है वो भी आपका आर लिया गया है, ठीक है, ओवर रियल, ओवर रियल्स, ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए जो बेसिस होता है कौन होता है, तो बेसिस जो होगा, बेसिस फॉर आर क्यूब ओवर आर इज, इसके लिए जो स्टैंडर्ड बेसिस होता है, बल्कि हम लोग बात करें यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है आपका 100, ठीक है, 010, 001, ये होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो तीनों वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, ये तीनों वेक्टर आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और क्या करता है, और ये स्पैन करेगा, ये जो बी है ना, ये स्पैन कर सकता है पूरे थ्री डायमेंशनल स्पेस को, ठीक है। आपको पता है कि जैसे आप देखेंगे तो ये क्या है, ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है,
तो अगर हम लोग इस तरीके से ले लें, जैसे मान लीजिए ये मैंने एक्स ले लिया, ये मैंने ले लिया जेड, ये मैंने ले लिया वाई, ठीक है, दिस इज़ एक्स, दिस इज़ वाई, दिस इज़ जेड, ठीक है, इसका होता है 100, इसका होता है 001 और इसका होता है 010, ठीक है। अब आप देखिए इसके हेल्प से आप तो कोई भी थ्री डायमेंशनल पॉइंट आप दिखा सकते हैं ना। तो मान लीजिए मेरे को दिखाना है 3, 5 और 2, तो मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है, या मेरे को दिखाना है -3, ठीक है, 0, 2, तो भी मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी पॉइंट आप दिखा सकते हैं ना, जैसे मान लीजिए इन तीनों के हेल्प से, जैसे मान लीजिए आपको 3, 5, 2 दिखाना है, तो 3, 5, 2 को हम लोग कैसे दिखाएंगे, इसको हम लोग एक लेंगे स्केलर 3, यहाँ पे ले लेंगे 100, फिर लेंगे स्केलर 5, तो ये लेंगे हम लोग 010, और फिर लेंगे स्केलर 2, तो ले लेंगे 001। अब आप देखिएगा जोड़ करके, तो इस आपको ये पूरा डेफिनेटली मिल जाता है। और यहाँ पे जो हमारे स्केलर्स हैं वो है 3, 5 और 2, तो 3, 5 और 2 दोनों, ये सारा क्या है, सारा आपका रियल है, और हमको फील्ड क्या लेना था, रियल ही लेना था, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसी तरीके से, आप इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं। तो कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है आपका ए बी सी, ठीक है, जो थ्री डायमेंशनल रियल स्पेस का पॉइंट है, उसको आप इस तरीके से आराम से लिख सकते हो, A100 प्लस B010 प्लस C001। तो पता ये चला कि ये जो है ये आपका बेसिस है, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये मेरा बेसिस हो गया किसके लिए, R3/R के लिए, थ्री डायमेंशनल स्पेस के लिए, ठीक है ना। अच्छा मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको डायमेंशन भी बताऊंगा, चलिए मैं भी बता रहा था कि ये यूनिक नहीं होता। आप देखिए, जैसे देखिए यहीं पे मैं आपको एक और बताता हूँ, जैसे कोई ज़रूरी नहीं है ना कि हम लोग यही तीन एक्सिस लें, ठीक है, जैसे मैं आपको 45 डिग्री से रोटेट कर देता हूँ और एक्सिस ले लेता हूँ मैं, देखिए ये L, ठीक है, M और N, ये मैंने तीन एक्सिस ले लिया, L, M और N, ठीक है, 45 डिग्री से रोटेट करके। तो अब इसके लिए अब जो वेक्टर्स इसमें होंगे वो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/√2, 0, 0, ठीक है, एम के लिए कहलाएगा ये 0, 0, 1/√2, और एन के लिए ये कहलाएगा 0, 1/√2 और 0। अब देखिए अभी तीन वेक्टर आप देखेंगे अगेन, तो यहाँ पे ये जो बी बनेगा, तो इसके पास में जो कलेक्शन है वो क्या है, 0, पहले तो 1/√2 लिया है हम लोगों ने, 1/√2, 0, 0 ये है, ठीक है, फिर क्या है, फिर है 0, 1/√2 एंड 0, और फिर आपके पास में है 0, 0, 1/√2, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो तीनों वेक्टर लिया गया है, तो अगेन ये तीनों वेक्टर आपका क्या है, अगेन ये तीनों वेक्टर आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, और ये भी जो है ना स्पैन करता है, यानी आप इसका भी स्पैन करवाएंगे तो ये पूरा थ्री डायमेंशनल स्पेस को स्पैन कर देगा ओवर रियल, ठीक है। कैसे, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, मान लीजिए मेरे पास में कोई भी पॉइंट है ए बी सी इन जनरल, ठीक है, तो आप इसको तो लिख सकते हैं ना भाई, थ्री डायमेंशनल पॉइंट है, इसको आप ऐसे तो लिख ही सकते हैं। एक मैं स्केलर ले लेता हूँ क्या, A√2, ठीक है, तो पहला वेक्टर क्या होगा, पहला वेक्टर हो जाएगा 1/√2, 0, 0, ठीक है, फिर B मैं ले लेता हूँ क्या, B√2, ठीक है, 0, 1/√2 और 0, और फिर मैं C के यहाँ पे ले लेता हूँ C√2, ठीक है, और अगेन यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, हम लोग यहाँ पे ले लेंगे वेक्टर ले लेंगे 0, 0, 1/√2। तो अगेन अब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो आपको ये एलिमेंट मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, बी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है और स्पैन भी कर रहा है, तो अगेन ये बी आपका क्या हो गया, अगेन दिस बी इज़ आल्सो ए बेसिस, इट इज़ आल्सो ए बेसिस फॉर रियल स्पेस थ्री डायमेंशनल ओवर आर, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि बेसिस आपका एक नहीं होता है। अब अच्छा, अब आप बोलेंगे कि भाई ये तो सर आपने खामखा ले लिया, हाँ भाई ठीक है, खामखा लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिए कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप बेसिस यूनिक नहीं होता है, आप बेसिस जो है बहुत तरह का ले सकते हैं, बस शर्त ये है कि आपका जो वेक्टर है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और वो स्पैन करता हो, ठीक है। हाँ उसमें ठीक है, जो स्टैंडर्ड है वो सबसे ईजी होता है, सबसे जो है कह लीजिए कि
यूजुअल बेसिस होता है जिससे हम लोग काम करते हैं, लेकिन बेसिस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा तो कोई जरूरी थोड़ी है कि एक्स वाई जेड एक्सिस ही किसी पॉइंट को ये करेगा। हम इस तरीके से एल एम एन तीन एक्सिस लिए हैं तो ये भी पूरे स्पेस में किसी भी पॉइंट को जो है शो कर सकता है, दिखा सकता है, जैसा मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, मेरा कहने का पर्पस ये है, याद रखिएगा बेसिस क्या होता है, यूनिक नहीं होता है। ठीक है, देयरफॉर जो हमारा रिजल्ट था वो क्या था, वो था बेसिस इज नॉट यूनिक, बेसिस आपका यूनिक नहीं होता है। ठीक है, हाँ, बट जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, मैंने आपको बताया नंबर ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स इन बेसिस, ठीक है, इन ऑल बेसिस, कोई भी बेसिस लीजिएगा अगर वो बेसिस है, ठीक है, फॉर ए सेम वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ, वो क्या होता है, वो आपका सेम रहेगा, वो आपका चेंज नहीं करेगा। जैसे आप देखेंगे ऊपर में जो नंबर ऑफ एलिमेंट था वो तीन था, और यहाँ पे जो हम लोगों ने नया बेसिस बनाया है बी डैस, तो इसमें भी तीन ही है। ठीक है, यहाँ पे आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, हियर नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है, एंड बी डैस, दोनों जो है, दोनों में क्या है, वो आपका सेम है, तीन ही है। ठीक है, और देखिए इसी को डायमेंशन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, डायमेंशन। तो हम लोगों ने जो डायमेंशन भी पढ़ना था, तो डायमेंशन का भी डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो डायमेंशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ। ठीक है, देखिए डायमेंशन का क्या लिखेंगे डेफिनेशन हम लोग, ठीक है, लिखेंगे लेट बी बी दी बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ। ठीक है, मान लेते हैं बी मेरा बेसिस है वेक्टर स्पेस एफ का, देन डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ इस क्या होगा, इज होगा आपका सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस बी। ठीक है, तो कोई भी बेसिस ले लीजिए, चूंकि सारे बेसिस में तो नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स रहने वाला है, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा बेसिस में वही आपका क्या होगा, बेसिस हो जाएगा। ठीक है, वही आपका डायमेंशन हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई डायमेंशन ऑफ थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस आर क्यूब ओवर आर ये क्या होगा, तो हम लोगों ने देखा था कि इसका जो बेसिस है वो क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस अगर देखिएगा इसका, तो उसमें तीन एलिमेंट होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो इसमें देखिए तीन ही एलिमेंट है, 1 2 और 3। ठीक है, तो इसमें तीन एलिमेंट है तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी का भी डायमेंशन अगर आपको लिखना है तो आप इस तरीके से आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए और हम लोग कोई कोई बात कर लेते हैं, जैसे अगर मैं, ये तो हो गया हम लोग का थ्री डायमेंशन का ना, अगर हम लोग सिंगल डायमेंशन का बात करें, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ लेते चलता हूँ एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मेरा जो वेक्टर स्पेस ओवर एफ है वो है आर ओवर आर। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि जो रियल स्पेस है, ठीक है, तो रियल स्पेस को रियल स्पेस होता क्या है, आपको पता है कि जो सेट ऑफ आर है वो होता है एनी रियल नंबर, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू आर। अच्छा, अब देखिए तो हमको रियल नंबर को दिखलाने के लिए इसका बेसिस क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा बेसिस फॉर आर ओवर आर इज सिंपली क्या होगा, तो सिंपली होगा ये आपका सिंगलटन वन, क्योंकि सिंगलटन वन से आप चाहेंगे तो आप कोई भी रियल नंबर को आप दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये रियल नंबर है कोई भी एक्स, तो एक्स को हम लिख सकते हैं ना एक्स इंटू वन। ठीक है, तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वन मैंने लिया है, तो ठीक है, एक्स मेरा कोई भी रियल नंबर है, ये मेरा कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, और वन भी मेरा क्या है, वन भी मेरा रियल नंबर है, तो हमको फील्ड भी तो चूंकि रियल ही लेना है, तो हम एक्स को एक्स इंटू वन लिख सकते हैं। ठीक है, तो और इस तरीके से आपका कोई भी रियल नंबर क्या हो जाएगा, डिनोट हो जाएगा, यानी हम किसी भी रियल नंबर को क्या कर सकते हैं, वन से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि क्या ये जो वन है ये किसी भी रियल नंबर को क्या कर सकता है, एक्स किसी भी रियल नंबर को डिनोट कर सकता है। ठीक है, तो आप सिंपली इसको ऐसे लिखेंगे कि स्पैन वन इज इक्वल टू व्हाट, स्पैन वन इज इक्वल टू रियल। ठीक है, ये पूरा रियल सेट के इक्वल आ जाएगा।
तो यहाँ पे बेसिस इसका सिंगलटन वन हुआ, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अगर हम यहाँ डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ रियल सेट ओवर रियल, ये क्या होगा, चूंकि इसमें सिंगलटन वन है, एक एलिमेंट है, तो ये वन कहलाएगा। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ वेक्टर स्पेस क्या टू डायमेंशन का, आर टू, ठीक है, आर का। तो इसके पास में जो एलिमेंट होगा वो इस फॉर्म का होगा, एक्स और वाई, जहाँ एक्स और वाई दोनों क्या होना चाहिए, मेरा रियल होना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरीके से कोई, इस तरीके से कोई पॉइंट होता है। अब आप देखिए, अब एक्स और वाई को दिखलाने के लिए मेरे पास में बेसिस क्या होगा, ठीक है। तो आप देखिए, आप डेफिनेटली इस एक्स और वाई को कैसे लिख सकते हैं, एक्स वन जीरो प्लस वाई जीरो वन लिख सकते हैं ना। कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ टू माइनस फाइव, तो क्या इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, टू वन जीरो प्लस माइनस फाइव इंटू माइनस फाइव इंटू जीरो वन लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, फील्ड आपका रियल है तो ये आपका आर से बिलोंग करता है डेफिनेटली, माइनस फाइव, टू भी आपका आर से बिलोंग करता है, ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने जो स्केलर लेना था वो लेना था रियल, तो रियल ही लिया है। और ये मेरा हो गया बेसिस का वेक्टर। तो बेसिस अगर हम ये वन जीरो और जीरो वन लेते हैं, तो ये किसी भी रियल पॉइंट को, टू डायमेंशनल रियल पॉइंट को, टू डायमेंशनल रियल पॉइंट को क्या कर सकता है, डिनोट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है आपको कि अगर हम लोग चाहें तो टू डायमेंशनल में वन जीरो और जीरो वन को हम लोग एज ए बेसिस ले सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं क्या, बेसिस फॉर आर टू ओवर आर इज इक्वल टू वाट, इसमें दो एलिमेंट होगा, वन जीरो और जीरो वन। अब आप देखेंगे कि डेफिनेटली दोनों क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और क्या है, ये पूरा स्पैन कर सकता है किसको, आर टू ओवर आर को। तो यानी कि इसमें दो एलिमेंट आ गया, तो इसमें अगर आपसे कोई डायमेंशन पूछता है, डायमेंशन ऑफ आर टू ओवर आर, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका टू हो जाएगा, ठीक है ना। और ऊपर में इसी तरीके से लोग डायमेंशन ओवर आर थ्री, आर ले चुके हैं, वो थ्री था, ठीक है। तो इसी के सिक्वेंस में अगर हम लोग मान लीजिए वेक्टर स्पेस हम लोग ले लेते हैं वी एफ, कैसा, ये हम लोग ले लेते हैं एन डायमेंशनल स्पेस ले लेते हैं ओवर आर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आर एन क्या होता है, तो आर एन आपका कोई भी एलिमेंट इस तरीके से होगा, ठीक है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री से लेकर के एक्स एन तक होगा, जहाँ पे सारे जो एक्स आई हैं वो क्या होंगे, वो आपके रियल होंगे, ठीक है, इसी तरीके से होगा। तो अब आप देखिए, आप इसको आराम से इस तरीके से लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में, कैसे, एक्स वन वन जीरो 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 जीरो, ठीक है, प्लस एक्स टू जीरो वन जीरो जीरो जीरो, ठीक है, प्लस एक्स थ्री जीरो जीरो जीरो, बीच वाला लेंगे वन, ये वन लेंगे, ठीक है, तब तो एक्स थ्री काम करेगा ना, जीरो, ठीक है, इसी तरीके से चलेगा। और लास्ट आपका बनेगा क्या, एक्स एन जीरो जीरो जीरो, सिर्फ आखिरी वाला वन लेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए, आप ऐड करेंगे तो आपको पहला एलिमेंट एक्स वन मिल जाएगा, क्योंकि बाकी तो सब में जीरो है, ठीक है, दूसरा वाला आपको यहाँ से एक्स टू मिल जाएगा, तीसरा वाला आपको यहाँ से एक्स थ्री मिल जाएगा, और लास्ट में एक्स एन मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि पूरा एन डायमेंशनल स्पेस के लिए इस तरह का जो है बेसिस लिया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बेसिस को अलग करें तो क्या होगा, देयरफॉर क्या बोलेंगे, देयरफॉर बेसिस फॉर आर एन आर, ठीक है, इज सेट ऑफ बी वेयर बी इज, इसको देखिए लिखा जाता है ऐसे, ई वन ई टू ई थ्री ई एन, ठीक है। अच्छा, अब वह यहाँ पे जो ई वन लिखा गया, तो ई वन क्या है, तो ई वन देखिए इस तरह क्या होगा, जिसमें पहला वन होगा, बाकी सारा टपल क्या होगा, इसमें जीरो होगा, ठीक है। ई टू, ई टू में देखिएगा तो दूसरा वाला वन होगा और बाकी सारा टपल आपका जीरो होगा, ठीक है। ई थ्री, ई थ्री में देखिएगा तो तीसरा वाला टपल वन होगा, बाकी सब आपका जीरो होगा, इसी तरीके से चलेगा। ई एन में आपका सारा टपल जीरो होगा, सिर्फ आपका लास्ट वाला वन होगा, ठीक है। तो इस तरीके का है, तो इसी को हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड बेसिस, याद रखिएगा, स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है। अब इसमें एन एलिमेंट है और सारे ही क्या है आपके, सारे ही आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, तो ये बेसिस है।
और यहाँ से आपका डायमेंशन जो है वो क्या आ जाता है, वो आ जाता है आर एन ओवर आर, वो आपका एन आ जाता है। ठीक है, अब देखिए आपके लिए रिजल्ट भी है। कैसे रिजल्ट है, देखिए आर एन ओवर आर का एन है, ठीक है, आप इसी से चाहे तो लिख सकते हैं आर थ्री ओवर आर करेंगे तो एन के जगह पे थ्री हो गया, तो थ्री लिख दीजिएगा इसका डायमेंशन। ठीक है, तो कोई भी डायमेंशन हो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आप चाहते हैं कि भाई हम निकालें डायमेंशन किसका, आर एट ओवर आर का, इसी फॉर्मूला से आप लिख सकते हैं एट। ठीक है, और आप चाहते हैं कि आर ट्वेंटी फाइव का निकालें ओवर आर डायमेंशन, तो वो क्या आ जाएगा, वो 25 आ जाएगा, लाइक दैट। ठीक है, तो काफ़ी आसानी से आप इस तरह का काम आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसी में कुछ और भी जैसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज करता हूँ। ठीक है, मेरे पास में एक क्वेश्चन है, क्या है, फाइंड, आपको फाइंड करना है क्या डायमेंशन, पहले बेसिस फाइंड कीजिएगा, हाँ फाइंड बेसिस एंड डायमेंशन, ठीक है, फॉर वेक्टर स्पेस ले लीजिए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स ओवर कॉम्प्लेक्स, और दूसरा ले लीजिए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स ओवर रियल। ठीक है, तो पहले देखिए बेसिस की बात करेंगे, अगर हम लोग इसमें देखें तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स कोई भी आपका होगा, जैसे मान लीजिए इस तरह का फॉर्म का है ए प्लस आयोटा बी, ठीक है ना। अब चूंकि जो फील्ड है वो भी आपका देखिए क्या है, वो भी आपका सी है, तो यानी ए और बी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से होना चाहिए, ये हो गया। ठीक है, इसको कौन जनरेट कर सकता है, तो इसका अगर हम लोग बेसिस लिखना चाहते हैं, बेसिस फॉर सी ओवर सी, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या होगा, तो ये यहाँ पे देखिए सिंपली वन हो जाएगा। ठीक है, सिंपली वन मतलब कि सिंगलटन वन, क्यों, इसलिए कि आप कोई भी एलिमेंट ले लो ये वन उसको जनरेट कर देगा। जैसे आप देखिए मैं ले लेता हूँ ए प्लस आयोटा बी बिलोंग्स टू सी, ठीक है ले लिया मैंने, ओके ओके, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया एंड वन मैंने ले लिया बिलोंग्स टू सी। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेटली ए प्लस आयोटा बी को क्या लिख सकते हैं, वन इंटू ए प्लस आयोटा बी लिख सकते हैं, तो इसको वन जनरेट कर दिया। ठीक है, यानी कि देखिए टू प्लस फाइव आयोटा, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, वन इंटू टू प्लस फाइव आयोटा, क्योंकि आपको देखिए ध्यान आपको ये देना है कि आपको दोनों लेना है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हम लोग वन तुम्हारा हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो है, अगर हम लोग वन को लेंगे तो डेफिनेटली हम लोग वन के साथ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरेट कर सकते हैं, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम वन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको जो फील्ड लेना है वो लेना है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, तो भाई ठीक है मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो लिया है टू प्लस फाइव आयोटा, बात फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट को आप जनरेट कर सकते हैं वन से, क्लियर है। ठीक है, इसके लिए जो बेसिस है वो ये बन गया, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे डायमेंशन लिखना चाहते हैं तो देयरफॉर यहाँ पे जो डायमेंशन बनेगा, डायमेंशन ऑफ सी ओवर सी, ये क्या होगा, ये आपका वन होगा, हो गया एक चीज़। ठीक है, अच्छा अब चलिए हम लोग देखते हैं इधर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो केस है वो ये आएगा कि ए प्लस आयोटा बी लेना है। ठीक है, लेकिन अब जो ए और बी है वो आपको कहाँ से लेना है, फील्ड आपका है रियल, यहाँ पे यही चीज़ है। ठीक है, तो ये दोनों में थोड़ा सा चेंज है। अब देखिए ए और बी चूँकि रियल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ओके, और पहले आपका कॉम्प्लेक्स था, तो अब देखिए अब मान लीजिए मेरे को लिखना है टू प्लस थ्री आयोटा को। ठीक है, तो टू प्लस थ्री आयोटा मान लीजिए मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको लिखने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, तो आपको इस बार जो आपको स्केलर लेना है वो रियल लेना है। ठीक है ना, ओके, तो इसका मतलब है कि आप इसको तो नहीं ले सकते डायरेक्टली। ठीक है, तो आप क्या लेंगे, तो देखिए मैं लूँगा इस तरीके से टू इंटू वन प्लस थ्री इंटू आयोटा, जहाँ पे मेरा टू और थ्री क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कोएफिशिएंट मेरा टू और थ्री बन गया, तो वेक्टर कौन बना मेरा, वन और आयोटा, ध्यान दीजिएगा, यानी इस केस में जो बेसिस बनेगा आपका, बेसिस बनेगा वो क्या बनेगा, उसमें दो एलिमेंट आएंगे वन और आयोटा आएंगे, तभी इसको ओवर रियल क्या कर सकते हैं, हम स्पैन कर सकते हैं। ठीक है ना, पिछले बार वाला केस नहीं है, ध्यान दीजिएगा, हाँ पिछले बार वाला केस में क्या था कि कॉम्प्लेक्स ओवर कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, तो आप कोएफिशिएंट भी डायरेक्ट सेम कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते थे जो आपको लेना था, तो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ले रहे थे,
जैसे यहाँ पे देखिए सेम कॉम्प्लेक्स नंबर को कोएफिशिएंट ले लिए, ठीक है, ओके, तो इन टू वन, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है मेरा। यहाँ पे भी हम लोग क्या किए, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर को ले लिए कोएफिशिएंट और इन टू वन, ठीक है। लेकिन अभी मेरा रियल है, तो रियल में हम सेम कॉम्प्लेक्स नंबर को तो नहीं ले सकते एज ए कोएफिशिएंट, तो हमको क्या होगा, हमको कम से कम वन और आयोटा चाहिए इस केस में, ताकि हम इसको क्या कर सकें, स्पैन कर सकें। बात फॉलो कर रहे हैं ना। तो अब आप देखिए, अब आप कोई भी एलिमेंट को लिख सकते हैं, जैसे फाइव माइनस फाइव प्लस सेवन आयोटा, तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, माइनस फाइव इंटू वन प्लस सेवन इंटू आयोटा, तो ये वन और आयोटा अब आपको इसको जनरेट कर देगा। तो इस केस में देखिए जो डायमेंशन है सी ओवर आर का, ये क्या आ जाता है, ये टू आ जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर सेम टू सेम होगा, अगर सेम टू सेम होगा तो हमेशा डायमेंशन आपको वन मिलेगा, याद रखिए, याद कर लीजिए इसको, ठीक है। और अगर डिफरेंट होगा तो आपको फिर चेकआउट करना पड़ेगा कि हमको कितना बेसिस में एटलीस्ट एलिमेंट चाहिए जो उसको स्पैन कर सकता हो, ठीक है। तो खुद से भी करके आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ ये नहीं है, ठीक है, ओके। चलिए कुछ यहाँ पे एक दो बातें और मैं ऐड करूँगा, जैसे देखिए पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, सेट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, कितना मैंने वेक्टर स्पेस लिया हुआ है, या तीन, चले चार नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। सपोज़ कीजिए कि जो मेरा वेक्टर स्पेस है ओवर एफ, वो है मेरा क्या, पी एन एफ, ठीक है, यानी सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स, सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, हैविंग मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम डिग्री एन, जिसका मैक्सिमम डिग्री क्या है, एन है, ठीक है, ओवर स्केलर कोई भी लिया है फील्ड, ओवर फील्ड एफ। तो इसका मतलब ये होता है, इसको हम लोग दिखाएंगे ऐसे कि सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर लाइक दैट ए एन एक्स एन, ठीक है, सच दैट जो ए आई है, जो कोएफिशिएंट है, वो आपका फील्ड से होगा। तो ये डेफिनेटली एक वेक्टर स्पेस, हम पहले ही बात कर चुके हैं इसको, चूँकि यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री दिया हुआ है, एग्जैक्ट डिग्री नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसके लिए अगर हम बेसिस तैयार करें तो क्या होगा, बेसिस फॉर दिस वेक्टर स्पेस क्या होगा, तो इसमें देखिए इसमें एलिमेंट्स होंगे, याद रखिएगा, वन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स एन, इस तरह का इसमें एलिमेंट होगा सिंपली, ठीक है। देखिएगा तो सारा ही जो एलिमेंट है वो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और आप ये भी देखेंगे कि ये स्पैन करेगा इसको, पी एन को, ठीक है, पी एन को स्पैन कर सकता है ये सारे वेक्टर्स। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए, है ना, हम सपोज करिए कि हमको जो है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू, ठीक है, इसको हमको ये कोई मेरा एलिमेंट है पी एन एफ का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इससे तो बिल्कुल लिख सकते हैं, कैसे देखिए, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है, जीरो इंटू वन, अच्छा एक मिनट, चूँकि वन वाला तो काम करेगा ना, ठीक है, चलिए तो एक्स एन से शुरू कर लेते हैं, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग जीरो इंटू, ठीक है, ज़ीरो इंटू एक्स एन प्लस, ठीक है, ज़ीरो इंटू एक्स एन माइनस वन, तो सारे ही हम लोग जीरो लेंगे, ठीक है, ज़ीरो इंटू एक्स एन माइनस टू, तो सब कुछ हम लोग लेंगे जीरो, जहाँ पे एक्स स्क्वायर का बारी आएगा तो वहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, थ्री इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर ले लेंगे जीरो इंटू एक्स, और ले लेंगे माइनस टू इंटू वन। अब आप देखिएगा तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोगों ने जो स्केलर लिया है वो या तो जीरो लिया है, या तो थ्री लिया है, या तो माइनस टू लिया है, ठीक है, और सारे ही जो वेक्टर्स यूज किए गए हैं वो बेसिस के यूज किए गए हैं। तो ये देखिए इसको जनरेट कर रहा है, तो कोई भी पॉलिनोमियल हो उसको ये जनरेट कर देगा ये वेक्टर। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इसके लिए बेसिस है, और बेसिस है तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितना है, तो यहाँ पे देखिएगा तो वन से लेके एन तक ये एन, ठीक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, वो क्या है, वो है आपका एन प्लस वन, तो एन प्लस वन एलिमेंट है, तो इसलिए अगर आपको डायमेंशन लिखना है तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, याद रखिएगा डायमेंशन अगर आप निकालते हैं, डायमेंशन ऑफ पी एन ओवर एफ, तो ये क्या होगा,
ये आपका एन प्लस वन होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़ होता है, याद रखिएगा कि पॉलिनोमियल के केस में अगर एन मैक्सिमम डिग्री है तो एन प्लस वन एलिमेंट का बेसिस आपको मिलता है। बात फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, अच्छा एक मैं और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लीजिए, सपोज़ कीजिए आपको किसी ने कहा कि भैया आप बेसिस लिखो, बेसिस लिखिए और डायमेंशन बताइए। ठीक है, एंड डायमेंशन ऑफ, ठीक है, क्या ले लीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, ठीक है, ओवर रियल। सपोज़ कीजिए, मतलब हमको टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स दिया हुआ है ओवर रियल, इसका हमको बेसिस लिखना है। डेफिनेटली देखिए, इसका बेसिस में एलिमेंट कौन कौन सा होगा, तो आप अगर स्टैंडर्ड लिखेंगे, स्टैंडर्ड में देखिए ये आ जाएगा 1000 कॉमा 0100, फर्स्ट रो पूरा हो गया, सेकंड रो लिखिए 0010 और लास्टली 0001। ठीक है, तो इसके बेसिस में यही चार एलिमेंट होंगे। ऑल दीज फोर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, एल्सो ये जो स्पैन बी है ये आपका कंप्लीट करेगा कोई भी टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मतलब है कि ये आपका बी बेसिस है। ठीक है, अगर बी बेसिस है तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, फोर एलिमेंट हैं, तो आप डायमेंशन क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन लिख सकते हैं आप एम टू क्रॉस टू ओवर रियल का सिंपली फोर। ठीक है, कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए मैट्रिक्स का, वो इसको ये कर दे। सपोज़ कीजिए मेरे पास में एलिमेंट है 3, -2, 5 और 4, क्या इसको लिख सकते हैं, ये स्पैन कर देगा, बिल्कुल कर देगा। आप चूज़ कर लीजिए स्केलर। ठीक है, चूज़ स्केलर्स, स्केलर यहाँ पे क्या है, रियल ही है, क्योंकि फील्ड आपको रियल लेना है। ठीक है, क्या लेंगे, 3 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं। ठीक है, देयर फोर, तो आप देखेंगे कि ये जो 3 है, -2 है, 5 है, 4 है, इसको हम डेफिनेटली ऐसे लिख सकेंगे 3 × 1000 प्लस सेकेंड स्केलर क्या है, -2 है, 0100, थर्ड आपका 5 है, सो इट इज़ 0010 और लास्टली आपका 4 है, तो इट इज़ 0001। अब आप लिख करके देख लो, जोड़ करके मल्टीप्लाई करके, ये तो बहुत लॉलीपॉप चीज़ है, ये आपको बिल्कुल मिल जाएगा। तो यानी ये स्टैंडर्ड बेसिस कहलाता है, ये स्टैंडर्ड बेसिस है फॉर 2×2 स्क्वायर मैट्रिक्स। आप फॉलो कर रहे हैं ना? अब आपको देखिए, आपको बेसिस में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप बेसिस पे काम करेंगे या आपको डायमेंशन को लेकर कोई काम करना है, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने बहुत मज़ा किया है, और अभी हम लोग जो है इससे रिलेटेड बहुत कुछ और भी कुछ रिजल्ट्स वगैरह जो है करना चाह रहे हैं, तो कुछ और इसमें रिजल्ट जो इस पे बेस्ड है, ठीक है, उसको लेकर के हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो उसमें आप ज़रूर उसको ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे लोग जो है लाइक नहीं करते हैं, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, मेहनत तो लगता है ना इसे बनाने में, ठीक है, बताने में, और आपके लिए बिल्कुल फ्रूटफुल है, तो बगैर सब्सक्राइब की मत देखिए, इसलिए कि आपको CSIR नेट या जिस भी जोन में हैं, इंजीनियरिंग या कहीं भी हैं, तो आपको ये फाइनल फ्यूचर तक लेके जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैं अपलोड कर रहा हूँ लगातार, जो कि कॉम्पिटिशन्स में आए हुए हैं, कोई मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, और आपको पता है लीनियर अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, सो बी केयरफुल। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।